तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और अनदर अरे कहना क्या चाहते हो? ब्लॉग अगेन। कभी कभी मैं आगे चीरे बड़े जान माँ कसम। तो ऐसे ही वो बना होता है, उसके अंदर रखते थे हम दूध वगैरह। ऐह अशु अपर जाम धाम उठा हो जाएगी जाम शु जाम धाम दी मासूम हूँ बेवकूफी। तुम्हारे ऊपर लिखना चाहिए था बेवकूफी। तो ये हमारा छोटा सा मिनी सा किचन है। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे जुगाड़ करा हुआ है ना, मैं कसम से मुझे तो हंसी आती है कभी कभी। ये मैंने खुद से बनाया है, ये घर पे रह गए। अयो परातू, अयो तौलो तौलो और गगर। तो मेरी दादी क्या दिन बड़े संभाल है रखे। बाबू है मेरा, मत करो ना। अगर तुम्हारे जगह कोई और बैठ जाता फिर मैं क्या करती। अच्छा ऐसी मतलब ऐसी पिक्चर चल रही थी धमाके को। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और अनदर ब्लॉग अगेन। सो आज मैंने सोचा कि क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर मुझे ध्यान आया कि चलो यार आज हाउस टूर ही करवा दिया जाए आपको, छोटा सा अपना छोटा सा हाउस टूर। और मतलब हाउस का सिंपली वैसे ही, बट अपना रूम टूर पूरा। तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए कहाँ से स्टार्ट। तो चलो नीचे पहले किचन से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरी फैमिली में है 11 मेंबर, मेरे ससुर, मेरी सास, मेरे बड़े जेठ, बड़ी जेठानी, उनकी दो लड़कियाँ और छोटे जेठ, छोटी जेठानी, उनका एक लड़का है और हम दोनों मियाँ। तो उनमें से मतलब मेरे हस्बैंड को तो पता ही है, लेकिन मेरे बड़े जेठ और मेरी बड़ी जेठानी और उन बच्चों को पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। बाकी किसी को नहीं पता है घर पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। जॉइंट फैमिली है अभी, तो वैसे तो सब सही है, बट कभी कभी प्राइवेसी का थोड़ा हो जाता है, इश्यू हो जाता है। तो वैसे हम फिर निकल जाते, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन घूमने निकल जाते हैं। तो कोई कुछ नहीं कहता, मतलब घर वाले भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे सपोर्टिव बहुत हैं कि चलो हाँ चले जाओ घूमने, जाया करो, को क्या करोगे घर पे, तो एक दिन मिलता है जाया करो घर पे। तो ऐसे सही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों जा रहे हो बार बार या कुछ भी। अच्छा बोले ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा पका लिया। तो ये तो थोड़ा फैमिली का इंट्रो था। तो अब हाउस टूर पे चलते हैं ना। तो ये हमारा रसोई घर है, इसे थोड़ा कम कर दूँ जब पता चल रहा है वो बल के नीचे गिर गया। और ये फैन लगा रखा, एग्जॉस्ट फैन इधर है, एग्जॉस्ट फैन मत समझना कोई इसे। तो ये पंखा तब लगा रखा क्योंकि गर्मियों में ना हालत ख़राब हो जाती है रोटी बना के टाइम, इसलिए। ये बड्डू मतलब ये क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने का, कितने पुराने ज़माने का होगा ये, हमारे गांव में भी होते थे ऐसे, उसके अंदर वो रखते थे। पहले तो फ्रिज वगैरह होते नहीं थे गांव में, खैर अभी भी हमारे गांव में फ्रिज वगैरह नहीं है। तो ऐसे ही वो बना होता है, उसके अंदर रखते थे हम दूध वगैरह। तो ये नीचे का बाथरूम है, वॉश है। ये हमारा मेन गेट है हमारा। और ये बरामदा, यहाँ पे ना रात को कितने, एक दो तीन चार वो आते हैं, एक स्कूटी यहाँ पे, इनकी बाइक, और फिर यहाँ पे बड़े जेठ जी की बाइक, और यहाँ पे साइकिल, चार चीज़ें, और पापा का स्कूटर यहाँ अंदर पापा के कमरे में। ये पापा मम्मी का कमरा है, और पूजा घर भी हमने यहीं पर बना रखा। ये पापा लोगों का कमरा है, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। अच्छा मैं आपको गोकुल धाम सोसाइटी दिखाती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। वो देखो सामने ना गोकुल धाम सोसाइटी है। तो इसका ये सीन हुआ था, जब मैं पहले पहले आई थी तो लोगों ने बोला, इन्होंने बोला कि गोकुल धाम ऐसे ही बोल रहे हैं, गोकुल धाम सोसाइटी। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब एक हफ्ते बाद मैंने देखा कि अच्छे सच में गोकुल धाम सोसाइटी है यहाँ। तो ये हमारे भगवान जी है, चप्पल पहनो एक सेकेंड। और ये हॉल है, ये हॉल है, यहाँ पे छोटे वाले जेठ जी लोगों की शादी की फोटोज है। और ये छोटे वाले जेठ जेठानी जी का कमरा है, और अभी बाबू सो रहा है तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकती, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से सो रखा। और अब चलते हैं हम हमारा कमरा देखने के लिए, है ना। ये हमारा ऊपर वाला छत है, और यहाँ पे दो कमरे हैं, और ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैं आई थी। और ये है वॉशरूम,
ये भाभी लोगों का कमरा है, मतलब मेरे जेठ बड़े जेठ और जेठानी जी का कमरा है। ये हमारा कमरा है और ये मेरे ससुर जी ने ही करा हुआ है पेंट, जेठ और ससुर जी ने। और ये घड़ी हम नैनीताल से लेके आए थे और ये फिलहाल हमारा अस्त व्यस्त कमरा, क्योंकि हमने पोछा मारा था तो ऐसे ही करा हुआ है। Not interested. और ये इंडक्शन है, क्योंकि कभी ये दो दो तीन तीन बजे आते हैं तो फिर मुझे इनके लिए चाय वगैरह बनानी पड़ती थी ठंडियों में, तो इसलिए अब नीचे कौन जाए, किचन हमारा नीचे है ना, तो फिर नीचे जाना पड़ता था और बार बार, इसलिए हमने यहाँ पे एक मिनी किचन बना रखा है ये। और ये हमारा है मिनी किचन, रुको मैं बैक में से ढाक के दिखाती हूँ आपको। सॉरी, ये हमारा मिनी किचन है, ये हमारी शादी फोटो। अभी हमने, क्योंकि अभी वॉल का ये छत तीन की है ना, तो अब कुछ टाइम बाद जब इसे हम बनाएंगे उसके बाद ये सारी फ़ोटोज़ वगैरह सेटअप होंगी। तो यहाँ पे टिफ़िन भी है और इसमें ये चाय पत्ती, ओ सॉरी चीनी है, ये इसमें चाय पत्ती। और ये दारू के गिलास हमारे नहीं है, ये कब से ऐसे ही रखे हुए हैं, लेकिन समझ रहे हो ना, अभी हटवा देंगे। और ये हम, ये एक बिचार अखरोटा दानी, ये पोहे हैं, ये बेलन भी है इधर और ये चकला भी है, वो सॉरी बेलन है और ये वो है क्या बोलते हैं इंडक्शन का तवा रोटी रोटी बनाने में। तो ये हमारा छोटा सा मिनी सा किचन है। और शादी का वो मिला था डिनर सेट, डोमिनोज की तरफ से मिला था ये हमें, मैंने डोसा लोगों ने। ये मंदिर है, ये इसलिए वो है बंद कर रखा है क्योंकि एक घर में, मेरे ससुराल वाले कहते एक घर में दो दो मंदिर नहीं होते, दो दो पूजा अलग अलग पूजा नहीं होती, तो इसलिए एक मंदिर नीचे है तो वही होती है। और ये बाकी इनका सामान है, पता नहीं क्या क्या, मुझे भी नहीं पता गाड़ी का। और मैं अब अलमीरा दिखा, अलमारी दिखाती हूँ आपको अपनी। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे जुगाड़ करा हुआ है ना, कसम से मुझे तो हंसी आती है कभी भी। तो ये देखो अंडे की ट्रे है ये, और उसमें मैंने अपनी लिपस्टिक नेल पेंट वगैरह रखी हुई है पूरी। और ये चूड़ी का डब्बा था, इसमें मैंने सारा सामान रखा हुआ, मॉइस्चराइजर फेस वॉश ये आराना फलाना ढिमकाना। और ये मैंने खुद से बनाया है, ये घर पे रह गए, कुछ टाइम पास नहीं होता तो मैंने यूट्यूब में देखा था बनाने के लिए, ऐसे सेटअप करने के लिए। तो ये सारा मैंने ऐसे करो, फिलहाल ये झूल रहे हैं यहाँ पे तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा इसका। लेकिन ये मेरा वो है इयर रिंग की दुकान खोली हुई है यहाँ देखना मैंने, और इसमें रबर बैंड कहाँ खुली है यहाँ पे। और ये तीन वो भी है मेरे पास, शादी से पहले ली थी मैंने ये परसों उसकी है। और ये तो ये ऐसा मैंने करा हुआ है सारा, इतना सारा मेकअप का सामान है जो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, इसमें से सिर्फ एक लाइनर और एक लिपस्टिक और बस आईब्रो पेंसिल, ये तीन चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, बाकी ये ऐसे ही दिखाने के लिए रखी हुई हैं। मेरे को मन ही नहीं करता यार सही बताऊँ तो यूज़ करने का। शादी के टाइम पे लिया था क्योंकि रिसेप्शन में मैं इनका तैयार होने के, रिसेप्शन में भी ऐसी हुई थी मैं तैयार जल्दीबाजी में। और ये थोड़ा कैंटीन का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, ये कैंटीन का सामान वाला, ये वाला खाना कैंटीन के सामान के लिए है। और यहाँ इनके डोमिनोज के कपड़े रहते हैं, बाकी यहाँ चूड़ियाँ वगैरह हैं रखी हुई और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। पहले इसे सेटअप करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड लाइट खोल लूँ पहले। और गगुर यू मेरी दादी रखी हुई मैं कड़ो, और यू ठलका जेम पूजा का है ना ब्यो दिन ये वो। और ये पटिया तो यहीं की है, इसमें मेरी वो है, ये पता ही होगा तुम्हें क्या है, ये ग्लूगन। तो अब ये हमारा तो ये मेरी और पंखे की लाइट कितनी है, अगर जाम धाम उठा हो जाए जाम धाम धरियो तुम बैग में धरेंगे ना बैग, तो आजकल क्या ही सुनो पर बोलो सुनो, तब तक इसके अंदर डाल दो ना ये जग का एक ले, इसी काम तो आएगा वो। ये मजी कब
मुंतबा मासूम हूँ बेवकूफ नहीं की जगह यहाँ पे भी लिखना चाहिए मासूम हूँ बेवकूफ भी गजब बेइज्जती है तुम्हारे ऊपर लिखना चाहिए बेवकूफ यहाँ नाश्ता कर लेते तो तुम नहा धोगे बिल्कुल नहाए धो से भी नहीं लग रहे ये हमने इसलिए छुपा रखा है इसका मुंह क्योंकि ये टूट गया था और टूटा शीशा नहीं देखते ना इसलिए हमने वहां पे पट्टी करवा दी उसकी ये इसके ये कांड करता है यहाँ पे ये जो मास्टर है शुभ काम करने चले अच्छे काम करने चले थे लेकिन तोड़ फोड़ दिया इन्होंने इसमें क्या है इसमें इनकी वो है पगड़ी बुगड़ी है वो जो कमर पे बांध रही थी फिर हो गए टाइम पे ये मेरा सुप्पा है और ये तो करवा चौथ का है सामान और ये कहाँ सा थकुल जिसमें वो बनाया हुआ इन्होंने पूजा के टाइम पे अयो परातु अयो तौलु तौलु और गगर तो मेरी दादी क्या दिन बड़े संभाले रखे हैं मेरी दादी ने बहुत टाइम से मेरे रखे होते हैं ये मेरी नातिन के साथ भी मिलूंगी मैं उसे इस माँ बाप गर्मियों में पानी रखेंगे यहाँ पे भर के ये हमारे गिफ्ट हैं जो अभी हमने खोले भी नहीं खोले हैं मतलब भांडा भूल है। खोले हैं लेकिन ऐसे रख रखे हम इधर सारे कपड़े कुपड़े पड़े हुए हैं क्या धरी हुई हूँ मैं तौलिया अरे हाँ मैं अपनी बाबू तो दिखाऊँ देखो तो ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था पकड़ना कि तो गिफ्ट है म्याओ सीधे पकड़ो ना मारो मत ना उसे ये देखो यार जरा सा भी कुछ हुआ ना उसे फिर देखना तुम बाबू है मेरा मत करो ना मार करो उसे ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने गिफ्टों के लिए और कहीं मेरी भतीजियाँ उठा के ना ले जाए तुम तो मैंने इसे डर के मारे दीवान से बाहर ही नहीं निकाला स्पिन की पगड़ी वो रखी हुई शेरवानी की पगड़ी पहनो पहनो टुकलू शकल नहीं दिखाते पता कैसे चलेगा किसके साथ शादी करे किसी और के साथ हो गई अगर तुम्हारे जगह कोई और बैठ जाता फिर मैं क्या करती कुछ भी ऐसी बंदा वैसी चल कोई बैठ जाता और क्या मूवी थोड़ी ना है कोई आ जाएगा किसी को मारो मुड़ के बैठ जाएगा मैं तो कर लेती फिर उसी से क्या करना था ये हमारी शादी की एल्बम रखी तुमने अपने कमरे में रखा तो बस यही था हमारा छोटू सा छोटू मोटू सा रूम पूरा चलो फाइल लेके चलते फाइल तो एक राज है भूतिया सा तो जब भी हमारे उधर पीछे मतलब इधर साइड पीछे जो वो है ना सड़क मेन रोड है उसमें जब कोई रात को ट्रक चलता ना तो ये इतनी जोर से बजता है पहले मुझे ये बात पता नहीं थी कि ट्रक की वजह से ये बजता है और इनकी तो नाइट शिफ्ट रहती थी और जब ये बजता था ना मुझे इतनी भयंकर डर लगती थी मैं वो पता नहीं ऐसे कैसे बज रहा भूतिया टाइप का फिर मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है जो उतर चुका है बेचारा तो ये है हमारा भूतिया बट इसका ऊपर राउंड होता था कितना अच्छा लगता ना प्लेन प्लेन अभी इसमें हम कुछ कर सकते हैं पता है इसको ऐसे ही रहने देना इसका कुछ करेंगे हम ऐसे लगा दो डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे क्यों लगाएंगे फिलहाल तुम रख दो उसे ऐसे लगाते यहां पे दो ड्रिलिंग करते हाय चू बाहर अंदर से ये हमारा नया शीशा लगा हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले ही लगा है क्योंकि पुराना वाला इन महाशय ने तोड़ दिया था तो बस अब ये लग गया अब अच्छा लग रहा है वैसे भी पहले भी अच्छा ही लग रहा था बट चलो बस आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो में तो तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट